ओ, ये ओ जैसा मुंह क्यों बना लेते हो? ओ ओ करते हो तो ओ। उठ जाओ भाई। अरे 9:30 बज रहे हैं भाई, 9:30 बज गए, देख लो घड़ी 20 मिनट पीछे है, इसीलिए हम पीछे हो गए हैं। उठ जाओ भाई, 10 बजने वाले हैं। एक चाय ठंडी कौन सी होती है? ये चाय पियो, एक चाय ठंडी क्या? उठो, अरे उठो। एक तरफ ये महाराज सो रहे हैं और दूसरे रूम से छोटू की रोने की आवाज आ रही है। सारांश रो रहा है। अरे क्या हो गया, क्या दिक्कत? क्यों रो रहे हो? मेरा भाई पूरे ताले जैसा मुंह दिखा देता। तो सभी लोग अपने घरों से निकलें और वोट डालने जाएं, क्योंकि ये आपका अधिकार है और वोट का यूज जरूर करें। धन्यवाद। यार नाश्ता दे दो, मैं भी वोट डालने जाऊं। अरे आज तो वोट डालेंगे भाई। हैं? क्या कह रहे हो आप? मैं कैसे वोट डालूंगा? आप कैसे वोट डालोगे? बेटा वोट डालने के लिए बड़ा होना पड़ता है ना, अभी आप छोटे हो। जब बड़े हो जाओगे, 18 इयर्स के हो जाओगे ना, तब आप जाओगे वोट डालने। अभी आप छोटे हो ना, अभी आप 5 इयर्स के हो, ठीक है? अभी आपको जाने नहीं देंगे ना, छोटे बच्चे थोड़ी वोट डालते हैं। पापा जाएंगे आज वोट डालने और मम्मी जाएगी, ठीक है? छोटू भी अभी नहीं जाएगा। अबे छोटू दब गया यार, क्या कर रहा है बेटा? अरे सही, तो हमारे घर में डांस चल रहा है। वाह, ओ माय गॉड, ओ गॉड, रेंजु, हे भगवान, ये देख रहे हैं डांस, ये पितनिया डॉक्टर। पारू तुम डांस देख रहे हो? पापा डांस कर ले तुम्हारे लिए, डांस देख रहे हो तुम? मत करो यार। मेरा पारू लाल, मेरा छुटकू छोटू पारू, ये मेरा बड़ा पारू। ये तुम्हें किस बात की खुशी है ये बताओ मुझे, हैं? किस बात की खुशी है ये तो बताओ महाराज। वो भी देख रहा है। सरू तुम पापा को डांस करते हुए देखो, तुम भी डांस करोगे? वो पैर ला रहा है। तो गाइस मैं वोट डाल के आ चुका हूँ और ये देखिए, ये मेरा अधिकार है। गाइस आज वोट डे था और मैं भी वोट डाल के आ चुकी हूँ। और कैसी खड़ी हो? ये क्या है? बैग सा लग रहा है कोई। बैग सा नहीं लग रहा, बैग ही है। देखो ये 2014 में तुमने बर्थडे के लिए केक लेके आए थे, मतलब शादी से एक साल पहले। ये कैंडल भी संभाल के रखी है अभी तक, कितनी? 26। ये एज बता दी अपनी, एज लीक कर दिया है। गौर से देखिए इस औरत को, इसने अपनी एज लीक करी है। और ये ध्यान है, लोधी गार्डन पार्क की है ना कैंडल, केक वहीं काटा था हम लोगों ने। ये ध्यान है, ये है, ये बताओ ये क्या है? ये तो जो मैंने तुम्हें रोज दिया था जिंदगी में, एक बार जो रोज दिया था वो मैंने देखो संभाल के रखा है। भाई साहब कितने साल हो गए? 12 साल 13 साल पुराना है, मतलब शादी से भी 5 साल पहले। तो, और अभी 2022 चल रही है, यानी करीब 12 साल हो गए, 12-13 साल।
चल बर्थडे की कैंडल्स होंगी एक तो हाँ, इसमें कैंडल आई थी। हाँ ये वो वाली कैंडल होंगी ना, वो नंबर वाली, वो सिंगल सिंगल जो आती है। ये मोटी और ये रोज़ चीजें संभाल के रखी है तूने यार। रोज़ेस के पेटल्स भी हैं भाई, लड़की कमाल की है, इतनी पुरानी चीजें संभाल के रखी। वाह, आई लाइक इट। पी वैलेंटाइन डे। और लड़की थैंक यू भाई, थैंक यू। गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया है। बहुत पुरानी यादें आज दिखाई तुमने, बीते दिन याद आ गए। ये तो 12-13 साल हो गए ना, 12 साल हो गए। और ये रोते हुए, लेकिन रोने की जरूरत नहीं, की छोटी सी होती है ना पत्ते के अंदर पत्ता। संभाल के रखती है भाई, कौन आज के टाइम पे तो कोई भी नहीं संभाल के रखता। देख ले तेरे मम्मी ने क्या क्या संभाल के रखा है। पापा ने रोज दिया था मम्मी को, ये देख अभी भी देख संभाल के रखा। मम्मी को रोज दिया था बहुत साल पहले, बहुत साल पहले। ये देख रोज कैसे सूख गया। क्या हो रहा है भाई, पढ़ाई कर रहे हो क्या? 42 शाबाश, सारी स्पेलिंग याद हो जानी चाहिए। क्या है ये? ये याद है तुम्हें? बुकमार्क्स। दिल्ली हार्ट से लिया था ना? दिल्ली हार्ट से लेके आई थी। तुम्हें पसंद नहीं है, एक तुम्हारे लिए था एक मेरे लिए था, तुम्हें पसंद नहीं है मैंने वापस ले ली। ये वैसा है ना, वुडन पे बना हुआ है ना, पेड़ की छाल पे है किसी, मतलब बैम्बू का छाल है ये देखो, बैम्बू की छाल पे कितनी बारीक करके उसने बनाया। सही है यार, सही। ये देखो, इसका तो पॉलिथीन से बाहर नहीं निकला। ये पॉलिथीन से बाहर नहीं निकला। TWO2 देखा, मैं मम्मी से पढ़ा करो, मम्मी पहले ही ये सब पढ़ा देती है आपको। पढ़ा दिया है ना मम्मी ने ये सब। 3 ये लड़का जब भी सोता है हैंड्स अप ही रहता है, जैसे किसी ने गन दिखाई हो सामने से, हैंड्स अप, हाथ ऊपर ही रहते बच्चे के। देखो तुम्हारा वैलेंटाइन डे गिफ्ट। वाओ, दिखाओ। मैं दिखाता हूँ। ये क्या है? अब ऐसा है ना कि कोई ऐसा गिफ्ट दो जो कई लोगों के काम आए, जैसे मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दे दूंगा सिर्फ तुम्हारे ही काम आएगा, और ये तुम्हारे दो छोटू मोटू, तो कोई ऐसा गिफ्ट दू कि तुम्हारे भी काम आए, इन दोनों छोटू मोटू को कहीं बाहर लेके जाओ उसके भी काम आ जाए। ये किस टाइप का गिफ्ट हुआ भाई? ये किस टाइप का गिफ्ट है? तो ये है हमारा मैजिक कप। बाहर जाओगी तो आप पानी पी सकती हो, गोलू मोलू को भी पानी पिला सकती हो। कैरी करने की जरूरत नहीं है कि स्टील का या कांच का गिलास कैरी करना पड़ेगा, फोल्डेबल गिलास है ये। प्लास्टिक है क्या? नहीं तो ये वैलेंटाइन डे पे तो ये गिफ्ट देते हैं ये। तीनों क्या? वैसे एक गिफ्ट और भी है तुम्हारे लिए। तो गाइस, शेफाली को पता नहीं है कि मैंने उसके लिए वैलेंटाइन डे का कुछ गिफ्ट लिया है, और वो ये है, तो चलिए उसको दिखाते हैं। खोल के देखो, कुछ है इसमें तुम्हारे लिए। पिंक कलर, रेड रेड पिंक कलर तुम्हें ज्यादा पसंद है ना, कुछ वैसा ही है। इसकी चुन्नी बहुत अच्छी है। कैसा है लड़की? बढ़िया। पसंद आया सूट? वो तुमने बहुत टाइम से खरीदा भी नहीं है ना, तो मैंने सोचा चलो। इसके दुपट्टे से पसंद आ रहे हैं ना? पसंद आना चाहिए बस। बहुत सुंदर दुपट्टा है। दूसरा दिन कुछ नहीं, बहुत अच्छी है।
अरे बेटा तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ मैं कुछ। दुपट्टा तो इसको नीचे। बढ़िया। कैसा है, पसंद आया? अगर तुम्हें पसंद नहीं आएगा तो चेंज भी हो जाएगा। अच्छा है ना, कलर भी अच्छा। थैंक यू बोलो। ये वाला बहुत अच्छा है। थैंक यू बोलो। थैंक यू सो मच। और ये रियांश आज पार्क आए हैं। धीरे धीरे, कभी गिर मत जाना, आराम से करना। देख के घुमाना बेटा, ये सीधे फेस पे लगेगा। अरे मत कर ऐसे, जैसे वो कर रहे थे, वो बेवकूफ थे, मत कर ऐसे।